नमस्कार, मैं हूँ राम कैलाश वर्मा। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लेंस मेकर फार्मूला, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको भी आप देखें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे लेंस मेकर फार्मूले के बारे में। लेंस मेकर फार्मूला आपका जो डेराइव होगा वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस फार्मूले से डेराइव होगा, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस फार्मूला जो है हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, और वो भी इसको समझने से पहले, इस वीडियो को समझने से पहले जो है इसमें जो लेक्चर बोलने जा रहा हूँ उसको समझने से पहले आपको इससे पिछले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस फार्मूला उसी में है। ये लेंस मेकर फार्मूला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस को बाउंड करते हैं जिससे हम एक फार्मूला डेराइव करते हैं, और दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस बाउंड होने पर ही क्या बनता है, लेंस बनता है, इसलिए इसका नाम लेंस मेकर फार्मूला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस दिखाए हैं, एक्स पी टू वाई एंड एक्स पी वन वाई। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाउंड हो रहे हैं, बाउंड होने पर ये कॉन्वेक्स लेंस आपका बन रहा है। ऑप्टिकल सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, एक प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते हैं जो इसके ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इसलिए एक्स पी टू वाई का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे तो इस वाले का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस साइड पड़ेगा, और ऐसे ही जो इधर वाला स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला एक्स पी वन वाई है इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी वन है, और जो एक्स पी टू वाई है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी टू है। आप जानते हैं जब भी हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या, जो स्ट्रेट लाइन पास करती है ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हमने इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर इन फ्रंट ऑफ द लेंस रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस हमने पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पर रखा है, जिससे स्टार्ट होने वाली जो रे हैं, द रे ऑफ लाइट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ओ इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स पी वन वाई एंड देन इट इज रिफ्रैक्टेड, देन इट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू द लेंस, एंड नाउ द रे ऑफ लाइट इन साइड द लेंस बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल एंड देन इट इज इंसिडेंट ऑन द एक्स पी टू वाई। अब हुआ क्या कि सबसे पहले यहाँ से, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई तो पहले इस पर इंसिडेंट हुई, क्योंकि ये डेंसर मीडियम हो जाएगा लेंस का, यहाँ पर इस साइड एयर है, हमने लेंस को कहाँ पे प्लेस किया है, एयर में, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन और एयर का है तो म्यू वन ये भी, और इसका क्या कर दीजिए, म्यू टू कर दीजिए। तो क्योंकि डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट हमेशा किधर बेंड करती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, फिर जब ये यहाँ से निकलेगी कहाँ पे, एक्स पी टू वाई पे पड़ी, देन कम्स आउट इन टू द एयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, आई पर। ठीक है, लेकिन अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता, अगर एक्स पी टू वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता तो रे ऑफ लाइट कहाँ जाती, आई डैश पर जाती। तो हमने काम क्या किया है, जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको हमने आगे प्रोड्यूस कराया है, और प्रोड्यूस कराने पर आई डैस पर मीट करा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पर उसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, अब ये जो वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी किसके लिए, एक्स पी टू वाई के लिए, और जब एक्स पी टू वाई के लिए ये ऑब्जेक्ट काम करेगी, जिसकी रियल इमेज कहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे कैसी रियल इमेज है,
ठीक है, मतलब ये सीधे सीधे ये हैं कि रे ऑफ लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से एक्सपी वन वाई पर पड़ी और रिफ्रैक्ट हुई इनसाइड द लेंस, गई बेंड की टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर वो निकली कहाँ पर, एयर में, किस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, एक्सपी टू वाई से, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। और हमने कहा कि अगर एक्सपी टू वाई नहीं होता तो ये आई डैश पर जाता, इसलिए हमने उसको आगे प्रोड्यूस कराया, और जब वहाँ पर प्रोड्यूस कराया तो उसकी वर्चुअल इमेज मुझे मिली किसकी, ओके ऑब्जेक्ट जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज आई डैश आई जो कि क्या है, वर्चुअल है। ये वर्चुअल इमेज एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी एक्सपी टू वाई के लिए, जिसकी रियल इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, यहाँ पर। अब हमें डेराइव करना है, तो हम सबसे पहले स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो अप्लाइंग द रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मूला ऑन एक्स पी वन वाई, तो एक्स पी वन वाई के लिए सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मूला है क्या, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मूला है। अब इसी में मुझे फर्स्ट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए अप्लाई कर देना है, तो म्यू टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप यहाँ पे रखें, और जहाँ पे इमेज डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट की इमेज आई डैश है इसकी, ओके जो इमेज है वो आई डैश है, तो हमने इमेज डिस्टेंस कौन सी सेलेक्ट करनी है, इमेज डिस्टेंस कौन सेलेक्ट करनी है, वी डैश सेलेक्ट करनी है, वी डैश हुई तो वी डैश आपने यहाँ पे रख दिया, फिर माइनस म्यू वन अपॉन यू, तो ये यू है आप इसको वैसे रख दीजिए, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ओके। अब काम क्या करना है कि द वर्चुअल इमेज आई डैश एक्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर एक्स पी टू वाई, एक्स पी टू वाई के लिए काम क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट काम करेगा, देन इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्योंकि अब यहां से ध्यान से देखिए कि लाइट कहां से, म्यू टू से म्यू वन में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो आप काम क्या करिए, यहां पर म्यू वन अपॉन रखना क्या, इमेज डिस्टेंस सबकी बार में क्या है, वी है, वी माइनस म्यू टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, म्यू डैश माइनस टी, टी क्या है, थिकनेस ऑफ लेंस, तो यहां पे आपने लिखा वी डैश माइनस टी इक्वल्स टू, यहां पे आप क्या रखिए, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर टू, ये आपने कर दिया। अब काम क्या कर देना है कि इसको इक्वेशन टू कह दीजिए। अब क्योंकि वी डैश बहुत ज़्यादा है किससे, टी से, वी डैश एक लार्ज डिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू द थिकनेस ऑफ द लेंस, तो आपने काम क्या किया, वी डैश वेरी वेरी ग्रेटर देन टी, देयरफॉर टी कैन बी निग्लेक्टेड, तो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश माइनस टी इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर टू, यह आपने कर दिया। अब एक काम करिए, जो दोनों इक्वेशन है कौन से, फर्स्ट और थर्ड, इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो R1 और R2 आप जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि R1 जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, यानी P1 से C1 तक जो डिस्टेंस जो है वो R1 है, और P2 से C2 तक जो डिस्टेंस है वो
आर टू मैंने माइनस में लिया है क्योंकि आपका इस साइड पड़ेगा ये सी टू, और जब इस साइड में पड़ेगा तो हम निगेटिव उसको रखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐसा कर दिया, निगलेक्ट करने पर यहाँ पे कितना बचा, वी डैश सिर्फ बचा। तो जब आपने टी को क्या किया, निगलेक्ट कर दिया, बचा कितना, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश इक्व टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, दोनों को ऐड करिए, किसको, फर्स्ट एंड थर्ड को। एडिंग इक्वेशन वन एंड थर्ड, देन वी गेट, क्या देखिए इसमें ये कट गया, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे, जो बचा हुआ है उसको क्या करिए, उतार लीजिए। म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू, इन दोनों में म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन है, म्यू टू माइनस म्यू वन आपने क्या किया, कॉमन कर लिया, अंदर कितना बचा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू बचा, इसमें से म्यू वन कॉमन करिए तो अंदर कितना बचा, म्यू वन कॉमन कर लिया तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन इन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करिए, म्यू वन को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, अब इधर ट्रांसफ़र करोगे कितना हो जाएगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन इन ब्रेकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये मिला। इसके बाद करना क्या है, हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर, इस बात को हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर इस बात को हम अप्लाई करेंगे, इफ़ यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी देन वी इक्वल्स टू क्या, एफ यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू, क्योंकि जैसे यहाँ पर रखोगे वन अपॉन एफ वन अपॉन इन्फिनिटी, ये आपका लिख सकते हो वन म्यू टू माइनस वन इन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये जो म्यू टू अपॉन वी वन लिखा है, इसको लिखा जा सकता है वन म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। अब ये आ गया कितना, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन म्यू टू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। आप जानते हैं कि जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू है, और लेंस आपका ग्लास का बना हुआ है, तो आप क्या करिए, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू, और ये एयर का है तो ए म्यू जी माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। और इस पर आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, उस न्यूमेरिकल में कुछ खास नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, कहाँ किस मीडियम में वो रखा गया है ये बात वो बताएगा, ठीक है। अगर ऐसा वो बताता है तो आप पर्टिकुलर गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग अब, थैंक यू।